मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है हमारा स्विट्जरलैंड में सेकेंड डे, और बस हमारा हो गया है चेकआउट और निकल रहे हैं हम लोग आज नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो रात को हम पहुंच गए थे पेरोय विलेज, और इट्स फुल ऑफ सराउंडेड विद माउंटेन्स। तो चलिए आज हम चलते हैं नई जगह, नए दिन की शुरुआत, और विद ब्यूटिफुल स्विट्जरलैंड। And here is Kavya saying good morning to everyone. Good morning. Are you excited? Yes. Yeah, because next day we go to Switzerland, and I really wanted it to be snowy right now, but snow is gone. Look, there's no snow outside. Yeah. तो चलिए चलते हैं और यहाँ से बाहर निकल के आपको मैं बाहर की खूबसूरती दिखाती हूँ। Let's go. था हमारा स्टे जहाँ हम रह रहे थे। The entrance was from this side. Kavya is wearing pink today. और यहाँ से अंदर ऊपर काफ़ी floors हैं, और एक floor में दो या तीन flats हैं। तो ये रहा, रात को जब हम आए तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। Look, this beautiful Switzerland. So actual में Switzerland की feeling तभी आती है जब आप माउंटेन्स में हो। कल हमने एक्सप्लोर किया था जिनेवा सिटी, और ज़्यादा नहीं वहाँ पर हमें टाइम मिला था, बट एनी हाउ हमने जो मेन ही था जिनेवा सिटी, रीवा, वहाँ का सिटी सेंटर और उसके नियर बाय काफ़ी कुछ देख लिया था। और बस मार्केट तो हर जगह सेम ही होती है, बट असली मज़ा स्विट्ज़रलैंड का खूबसूरत माउंटेन्स के साथ है। तो आप देखिए मेरे पीछे, and this travel girl is always ready and happy. तो चलिए यहाँ से लेनी है हमें बस, और उसके बाद हम जाएंगे ट्रेन स्टेशन, और फिर ट्रेन स्टेशन से हमें जाना है अपने दूसरे डेस्टिनेशन। दो दिन वहाँ एक्सप्लोर करेंगे नियर बाय, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे द मोस्ट फेमस ज्यूरिख। तो बने रहिए और मैं दिखाती रहूँगी आपको ब्यूटीफुल स्विट्ज़रलैंड के ब्यूटीफुल नज़ारे विद माय ब्लॉगर पार्टनर, विद माय ट्रैवल पार्टनर। या बट आई एम आल्सो गोइंग टू समवेयर सीक्रेट। व्हाट सीक्रेट? ऑल द टाइम यू वांट सीक्रेट्स? या तो चलिए हमारी बस आने वाली है। आउट ऑफ द प्लेस दैट माय मॉम एंड डैड वांट्स टू गो, मी एंड माय मॉम एंड डैड, okay, I'll tell you it, but don't tell the other people, okay? It will be a playground, and after the playground we'll go to a play center with an outdoor pool. Switzerland की morning अभी बज रहे हैं 11, और हम कर रहे हैं बस का wait. तो हम आ गए हैं पार्क में, और काव्या ने करा दी है हमारी बस मिस, बिकॉज शी सॉ दिस ब्यूटीफुल पार्क, और पार्क से भी ज़्यादा सुंदर है मेरे पीछे का ये व्यू जो है, लेक साइड व्यू विद द स्नोई माउंटेन्स, और थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है। ये है मेरे पीछे का लेक साइड व्यू, और दूर आप माउंटेन्स में देखो बर्फ जमी हुई है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिटी, ब्यूटी ऑफ पेरो विलेज। अभी हम स्टिल पेरो विलेज में ही हैं, और आधे घंटे बाद हमें बस मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आके DDLG की ही फीलिंग हो रही है। पहाड़ों में भी आ गए हैं, बस भी मिस हो गई है, और ये ब्यूटीफुल लोकेशंस पे हमें इंजॉय करने का मौका मिल रहा है। बस ये पहली बस है जहाँ मैंने देखा हर सीट पे देयर इज़ अ बेल्ट।
seat belts. Done, done, it's done. And yeah, ready with the seat belt. Hello guys, I'm wearing my seat belt. Very seat belt. रोले ट्रेन स्टेशन और अभी 5 मिनट्स में हमारी ट्रेन आने वाली है. जस्ट ऑपोजिट टू द बस स्टेशन, यहाँ से नीचे सारी बसेस मिल जाती हैं. सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर आर ट्रेन और फिर उसके बाद यहाँ से नॉर्मल लोकल ट्रेन के बाद हमें दूसरी मेन ट्रेन लेनी है. Chocolate. Feeling hungry? Or not? What do you want to eat? Chocolate? No. Snowy mountains. दो ट्रेन चेंज करके अब हमने ली है थर्ड ट्रेन फ्रॉम द बर्न स्टेशन और ये हमें सीधा छोड़ेगी इंटरलाकिंग. तो हम पहुंच गए हैं अपने स्टेशन स्पीज. एक्चुअली हमने सोचा था हम इंटरलॉकिंग जाए पहले, लेकिन दूसरा पहले हम अपने बैग अपने स्टे पे रखकर और फिर फ्रीली इंटरलॉकिंग जाकर सिटी एक्सप्लोर करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर उसके बाद हम दोबारा यहाँ पर वापस आ सकते हैं. ये जो मैं अभी आपको लेक व्यू और फुली स्नोई माउंटेंस दिखा रही थी, दैट इज़ द सेम प्लेस जहाँ पर अभी हम स्टे करेंगे स्पीज. तो चलिए पहले हम अपने स्टे चलते हैं, फिर देखते हैं कैसा है हमारा रूम और उसके आसपास. बस थोड़ी सी फ्रूट्स और ग्रॉसरी लेकर हम लोग निकल पड़े हैं अपने स्टे की ओर. और आप देखिए मेरे पीछे पूरा गांव शहर, मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ. ये देखिए ये व्यू है यहाँ पर, ये सब देख के मुझे अपने गांव की याद आ रही है. और ये यहाँ बसे हुए हैं घर विद द लेक माउंटेन्स
ब्यूटीफुल सिटी। तो चलिए आगे चलते हैं और फिर हम अपने स्टे में जाकर मैं आपको एक क्विक टूर दूंगी। दिस इज़ द मार्केट, कुछ ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं यहाँ पर और शॉपिंग के कुछ क्लोथ स्टोर भी। और यहाँ पर के ग्रॉसरी स्टोर में फिर भी हमें रेट थोड़े रीजनेबल लगे हैं। ऑफ कोर्स हमें लंदन महंगा लगता था, बट लंदन से यहाँ पर ज़्यादा ही है। ओके, सो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पर और थोड़ा रीजनेबल भी लग रही है जगह और साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल है और ऊपर से आप देखेंगे तो खूबसूरत सा लग रहा है सब कुछ यहाँ पर और बिल्कुल फुल स्विट्जरलैंड की ब्यूटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए हमारे स्टे की और चलते चलते और नज़दीक से माउंटेन्स व्यू। दिस इज लाइक लॉकनेस, जहाँ आगे सीधा लेक है। सो ये देखिए काफ़ी सारे ऐसे हट शेप के होटल्स और जो स्टे हैं मोस्टली इसी टाइप के यहाँ पर। बीच से एक सुंदर सा नज़ारा और आगे भी आप देखिए काफी इज हैविंग फन। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग द स्नोई माउंटेन्स फ्रॉम सच अ क्लोज डिस्टेंस और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ भी काफ़ी ये डाउन हिल की साइड में है, अभी हम जब ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा हमें पता चलेगा चलने के लिए। तो देखिए मेरे पीछे मैं जितना भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सीधा आपको रूम टूर दूँ, ऐसी ब्यूटीफुल लोकेशंस और ब्यूटीफुल जगह दिखती जा रही हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। ये है हमारा कॉटेज, हमारा एयरबीएनबी हाउस। सो दिस हाउस विद द 82 विद दैट हाउस आई डैडी डिड आई फाउंड इट। ओह माय गॉड, इट वाज द राइट हाउस। यू फाउंड द राइट हाउस, वेरी गुड काव्या, दैट मींस यू नो ऑल द नंबर्स। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. या दैट्स व्हेन यू आर लर्निंग मैथ्स, नॉट बिकॉज़ ऑफ डैडी टीचिंग मी। हां, बिकॉज़ ऑफ नथिंग, because yourself only. It's magic. Magic. So you found 82. Look. I'll show you right now, Marco. Huh. Oh. What is this? Can you read it? 8. Huh? 2. So, 82 is? 882. Yeah, 82. Correct. 82. I know that. I found the right house. Yeah, good job, Kavya. Good job. Yes. So अभी काव्या को दिखाने आया रूम। So this is a new stay. And it's quite precious. Okay, this has a small living cum kitchen is also here. Our dining table and this side I'll show you the bedroom, एक simple सा छोटा सा bedroom, but that is more than enough, मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक है। And the best part, अभी एक second, और इसके bedroom के साथ ही next बाहर निकल कर this is the washroom and the shower cabin, yeah. So this side was the bedroom, here is the bathroom, this was the entrance and these are the host and the best part of this house is the view. Look at this beautiful view, lake with boating and the mountains. Samne se jis pahar ko hum follow karte hue aa rahe the aur जिस व्यू को ऊपर से देखते हुए लग रहा था बहुत सुंदर है, वही हम पहुंच गए हैं। सो हम आ गए हैं फ्री होकर और थोड़े फ्रेशन अप होके, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया हमने, तो अभी बज रहे हैं 6 और 6 o'clock हो गया है और अभी काफ़ी जल्दी अंधेरा होने वाला है, तो इसलिए इंटरलाकिन का तो हमने प्लान कैंसिल कर लिया बिकॉज दैट प्लेस इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द सेम जहाँ पर हम हैं स्पिंजी और यहीं पर इतना कुछ है यहाँ पर देखने के लिए
और लग रहा है कि कितनी फ़ोटोज़ क्लिक कर लें और कितने वीडियो शूट कर लें। तो फिलहाल हम लोग अभी नहीं जाएंगे क्योंकि जब तक हम पहुंचेंगे काफ़ी अंधेरा हो जाएगा और बिकॉज इट्स नॉट सिटी तो वही नाइट में कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। सो वी ड्रॉप आवर प्लान और यहाँ से बोटिंग के थ्रू भी इंटरलाकिंग जा सकते हैं बट अभी क्योंकि बोट्स नहीं चल रही हैं सो वी थॉट वील एक्सप्लोर आर नियर बाई ओनली। और आज से हमारी ठंड शुरू हो गई और अभी आप देखें मैंने डबल जैकेट पहन लिया है क्योंकि बाहर काफ़ी ठंडा हो गया है। बस अभी आप इंजॉय कीजिए इस व्यू को जो है यहाँ पर लेक साइड व्यू का वेज ऑल्सो इंजॉइंग एंड ये देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस स्नोई माउंटेन्स एंड द लेक द बोटिंग एंड इंटरलॉकिंग के लिए मैं आपको दिखाऊँ यहाँ है इंटरलॉकिन और यहाँ थुन दिस इज द स्पीज और इंटरलॉकिन के लिए यहाँ से आप बोटिंग के थ्रू जा सकते हैं। बहुत ही बड़ी लेक है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मेरे काबू की जो आई आके मुझे चेहरे जाई उससे कहूँगा सामने तो आए मेरे ख्वाबों की जो आए सकाविया एंड द ब्यूटीफुल माउंटेन क्योंकि अंधेरा होने लग गया है एंड काव्या को लग गया हिकअप्स बिकॉज शी इज फीलिंग कोल्ड। हाँ डू यू वांट टू से एनीथिंग नो हिकअप्स ओनली आई वांट टू टॉक आर यू फीलिंग कोल्ड यू टॉक समथिंग से Okay, after that you'll wear your gloves. So, with your lighting on. And the beautiful mountain. Yeah, and the beautiful view. And the beautiful water. तो अब हो रहे हैं रात के 9 और हम भी एक लंबी आउटिंग करके और डिनर करके फ्री हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था तो मैं ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं एंड इट वाज़ वेरी टायरिंग डे टुडे। और काव्या डू यू वांट टू से एनीथिंग डिड यू एंजॉय टुडेज आउटिंग यस सो काव्या इज़ ऑल्सो टायर्ड नाउ। चलिए आज का इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और कल होने वाली है खूब सारी स्नो की मस्ती एंड द ब्यूटीफुल सन। तो चलिए कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ नए दिन नई शुरुआत और अभी के लिए गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट बाय 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 बाय।